बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नवरत्नम लोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि आज की पांच बड़ी खबरें, यानी सुपर फाइव का समय हो चुका है। देश भर में क्या कुछ आज पांच बड़ी खबरें रही, उस पर हमारी एक नजर। आपको बता दें कि खास तौर से हम देखने की कोशिश करें तो आज भीम आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। दूसरे आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिला। तीसरी बड़ी घटना की रुख करते हुए आपको बता दें कि जेएनयू के अंदर छात्र संघ और छात्र छात्राओं के ऊपर हमला हुआ है देर रात। आपको बता दें चौथी जो बड़ी घटना है वो अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है निशाना साधा है केंद्र सरकार के ऊपर। पांचवी आपको बता दें कि रावण जो है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर, उनको अस्पताल लाया गया और प्रियंका गांधी ने मांग की है कि उनको एप्स में इलाज करवाया जाए। तो ये आज की पांच बड़ी घटनाएं जिन पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की तबीयत और उनको जेल से रिहा करने, एनआरसी सीएजी से बिलों, साथ ही जेएनयू के अंदर हुए छात्र संघ के पदाधिकारियों पर हमले सहित कहीं जो घटनाएं हैं छात्र छात्राओं पर जो हमले हुए उन तमाम घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आज भीम आर्मी की तरफ से दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बता दें कि सरकारी न्यूज एजेंसी सहित तमाम मीडिया चैनल से पैनलिस्ट मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने साफ तरीके से कहा है कि चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, साथ ही जो जेएनयू के अंदर जो हमला हुआ है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी मांगे हैं उनकी तरफ से की गई और अगर उन्होंने कहा कि मांगों को नहीं माना जाता है तो आंदोलन भीम आर्मी करेगी, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। दूसरी आपको बता दें कि मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल ही दिशा निर्देश दिए थे कि उनका एक राज्यपाल से उनका एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और राज्यपाल से मिलकर वो वहां की मांग डिमांड है वो सौंपेगा। आपको बता दें इसी को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती के दिशा निर्देश अनुसार आज सतीश चंद्र मिश्रा और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष यूपी मुनकाद अली वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि आनंदीबेन पटेल जो है उनको उन्होंने ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपने के बाद आपको बता दें कि जो सीएए एनआरसी के दौरान आंदोलन हुए उन पर जो झूठे मुकदमे लगाए गए उनको वापस लेने और जिन लोगों की जाने चली गई है उनको आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। तीसरी बड़ी घटना के रुख करते हैं, आपको बता दें कि जेएनयू के अंदर जो जेएनयू के पदाधिकारी हैं उन पर रात को कहीं देर रात काफी बड़ा हमला हो गया था। आपको बता दें कि कहीं सारे नकाबपोश लोगों ने छात्र छात्राओं के ऊपर हमला किया था जिसमें कहीं गंभीर छात्र है वो छात्राएं गंभीर चोटों से जूझ रहे हैं, कईयों की गंभीर चोट आई है, सर तक फट गए हैं। तो आपको बता दें कि उसी को ध्यान में रखते हुए जेएनयू में बहुत ज्यादा बवाल मचा, उसके बाद आज पूरे देश भर के अंदर इस मामले की निंदा की गई है और बीजेपी के खिलाफ हमला बोला गया। चौथी बड़ी घटना के रुख करते हैं, आपको बता दें अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनकी तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेएनयू में जो घटनाक्रम हुआ है उसकी कड़ी से कड़ी निंदा की गई और आपको बता दें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप हमारे चैनल पर लगी है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। पांचवी आपको बता दें कि रावण चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के चीफ है उनको पिछले कई दिनों से तबियत की शिकायत है, उनकी तबियत खराब है, इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। आज आपको बता दें कि उनको एक दिल्ली के निजी जो हरिनगर स्थित एक निजी अस्पताल के अंदर उनको भर्ती करवाया गया, वहां पर रूटीन चेकअप करवाया गया। लेकिन आपको बता दें प्रियंका गांधी ने यह मांग की है कि उनको एम्स में उनका इलाज करवाया जाना चाहिए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की तबियत का ख्याल सही से नहीं रखा जा रहा है, जेल प्रशासन उनका ध्यान नहीं रख रहा है। ये आपको बता दें कि आज के पांच बड़ी घटनाएं थी जिनकी ऊपर आपका ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी था। कल मिलेंगे किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक आप चले थे विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल।